हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक राज और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं व्लॉग शेयर करने वाला हूँ कबन पार्क का। तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ प्लान बना है कि मैं कबन पार्क जाके विजिट करूंगा। तो वहां पे जो कुछ भी मुझे देखने को मिलेगा या फिर जो भी कुछ भी एक्सपीरियंस करूंगा मैं, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अभी तो मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, यहाँ मेरे रूम से लगभग 1 घंटे दूरी है कबन पार्क। तो वहां पहुंच के फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और जो कुछ भी एक्सपीरियंस होगा कबन पार्क जाके वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कबन पार्क अभी एंटर कर चुका हूँ। तो अभी मैं अपने दो फ्रेंड हैं जो यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हैं, जो कि मुझे लगता है दूसरे छोर पे है, क्योंकि ये जो पार्क है ये 300 एकर्स में फैला हुआ है। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनसे मिलता हूँ और देखते हैं कि कितना बड़ा है कबन पार्क, एक्सप्लोर करते हैं इसे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे। ऐसे तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो वहाँ चलते हैं, उन लोग से मिलते हैं, उसके बाद दोबारा आप लोग को ज्वाइन करते हैं। स्टेट लाइब्रेरी है शेषाद्री मेमोरियल हॉल, ये कबन पार्क के अंदर ही है। तो यहाँ तक हम आए हैं चल के, और पीछे बैकग्राउंड में आपको विधान सौधा का वो टॉप का पिलर दिख रहा होगा। अब वो विधान सौधा का है या हाई कोर्ट का है मुझे श्योर नहीं है, बट वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ हम लाइब्रेरी तक पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी जगह है, बस थोड़ी सी आज मौसम उतनी बढ़िया नहीं है, मौसम थोड़ा आज क्लाउडी है, तो मे बी वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट पास पहुंच गए हैं, यहाँ पे मेरे दो फ्रेंड्स मिले मुझे। तो वो लोग उस छोर से चल रहे हैं, कैमरा शाही हैं तो कैमरा से भाग रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा देर ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। एक बार मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो अभी हम लोग इसी के पास हैं और ये पूरा कंपाउंड तो काफी लंबा है, मुझे लगता है कि लगभग 300 एकर्स का होगा ये एरिया। तो धीरे धीरे घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, जो कुछ भी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो आप लोग साथ शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम लोग कबन पार्क से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पीछे आप लोग हाई कोर्ट देख सकते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट है यहाँ पे। और मैं आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड में आप लोग मेरे फ्रेंड्स को देख रहे हैं और विधान सौधा बिल्डिंग है जो कि यहाँ का विधानसभा है, और साथ ही महात्मा गांधी स्टैचू और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है। तो ये कबन पार्क के एग्जिट के जस्ट सामने ही है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कबन पार्क में टोटल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आप लोग भी वीकेंड के टाइम समय निकाल के यहाँ आ सकते हैं, घूमने के लिए काफी अच्छा जगह, बच्चों को काफी पसंद आएगा। तो होपफुली मेरे कबन का जो ये ब्लॉग है, ये वीडियो है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। आज के वीडियो को बस इतना ही। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।